जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध सावर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज हम जो आपके लिए कहानी लेकर के आए हैं, वो कहानी बहुत ही रहस्यमयी और रोमांचक कहानी है। तो एक समय की बात थी कि भाई, शमशान के जो कायदे कानून होते हैं वो तो अपने सब अलग ही होते हैं। शमशान की शक्तियाँ उन बंधनों से बंधी हुई होती हैं। अगर वो इन बंधनों को तोड़कर बाहरी जीवित लोगों पर आक्रामक होंगी तो इसका दंड उन्हें भी भुगतना पड़ता है। इसलिए ये शक्तियाँ कभी किसी का जानबूझकर आहित नहीं कर सकती, परंतु अगर कोई बाहरी व्यक्ति उन पर अतिक्रमण करेगा तो उसे विनाश लीला देखनी होगी। ये घटना एक ऐसी ही सत्य घटना को आधार मान करके मैं सुना रहा हूँ। देखिए, बाड़ाहाट के मणिकर्णिका शमशान में एक युवक आने वाला था, जिसके बारे में काले वस्त्रों को धारण किया हुआ एक शक्ति साधक पहले से ही जानता था। वो मुझे अपनी ताकत का परिचय देने की कोशिश कर रहा था, पर मैं इस आदमी को तब से जानता था जब वो पहली बार मुझे मिला। तब वो शम मंदिर पर दान लेने आया था। उसके काले वस्त्र, जटा बिखरी हुई, माथे पर भस्म लगी हुई थी त्रिपुंड की, और देखने में वो एकदम कोई तांत्रिक टाइप वेशभूषा पहने हुए था। पर मैं पहली बार किसी ऐसे आदमी को नहीं देख रहा था। मैं काफ़ी लोगों को देख चुका था। कई लोग तो शराब पीने के लिए भी इस तरह घर के मंदिर में जाकर के दान मांगने चले आते हैं, पर वो कुछ अलग ही था। वो व्यक्ति, उसकी आंखों में एक अलग सा तेज था। मैंने उसे कुछ पैसे दिए, आखिर कि मैं अक्सर सबको दे देता हूँ, पर फिर भी जो चाहे उसे कुछ करे, या उसके भाग्य के पैसे थे, परंतु उसने वो पैसे मुझे वापस दे दिए। उसने वो पैसे नहीं लिए। फिर वो मंदिर के गेट से ही काली माता की जो मूर्ति थी उसके सम्मुख अन्नपूर्णा स्तोत्र को गुनगुनाने लगा। इसके बाद उसने हाथ में भस्म निकाली और वो मंदिर की पहली सीढ़ी पर टच की उसने, और अपने भिक्षा पात्र में डाल दिया। फिर वो वहाँ से चला गया। उस दिन पहली बार मैं शक्तिशाली मंत्रों की तरफ आकर्षित हुआ। मुझे उसकी शक्ल काफ़ी हद तक याद हो गई थी। इस घटना के 5 साल बाद वो मुझे बाड़ाहाट के मणिकर्णिका शमशान में मिला। उसने मुझे पहचान लिया, मैं भी उसे पहचान गया। मैंने उसे प्रणाम किया। तब उसने कहा कि तुम्हारी पिपासा और जिज्ञासा तुम्हें यहाँ खींच लाई है। मैं जानता हूँ तुम क्या देखना चाहते हो। कुछ देर में एक युवक आएगा, तुम्हें कुछ टाइम मुझे देना होगा, लगभग 2 दिन। फिर तुमको मैं शमशान में मौजूद जो ताकतें हैं उनकी बस एक झलक दिखला सकता हूँ। इससे ज़्यादा तुम्हारे समझ से बाहर हैं। मैंने पूछा कि क्या आप अघोरी हैं। उसने नम्रता से कहा कि शक्ति उपासक हूँ, देवी की आराधना करता हूँ। तभी एक युवक आया, उसने अपना नाम अजय बताया। वो काफ़ी गंभीर मुद्रा में था, जैसे किसी बड़े संकट का सामना कर रहा हो। शक्ति साधक ने अपनी आँखों को बंद किया और ध्यान लगाकर कुछ बातें मेरे कान में बताएगी। उसने कहा, इसका भाई प्रेत आत्मा से पीड़ित है, इसके पीछे भी कारण है। वो अपने साथी के साथ बिना गुरु की आज्ञा के शमशानी शक्तियों को साधने चला गया। अंत में उसने कहा कि अब तुम इससे पूछो। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ भाई, परेशान दिखाई पड़ते हो। अजय जीवन में काफी परेशानियों को पार किया है, परंतु इस बार की दिक्कत कुछ अजीबोगरीब है। मेरे चचेरे भाई विमल को 2 माह से बुखार है, कोई भी दवाई फायदा नहीं कर रही। शहर के सभी अस्पतालों में उसका चेकअप किया जा चुका है, परंतु डॉक्टरों की पकड़ में उसकी बीमारी नहीं आ रही। उसके सभी रिपोर्ट नॉर्मल आते हैं, लड़का बस सूख सा गया है। 2 महीने पहले तक सब अच्छा चल रहा था, अचानक अमावस्या की अगली रात से बुखार उसे 100 से 102 के बीच रहने लगा। डॉक्टरों से कुछ ना हो पाया तो आसपास के लोगों का
सक ऊपरी बाधाओं पर गया, पर इसका भी कई पीड़ित ओझा और पाठ पूजा करवाया, मगर कोई फायदा नहीं हुआ। स्थिति वैसी ही है जैसी 2 महीने पहले थी। मैंने उससे पूछा कि तुम यहाँ कैसे आए, किसने और क्यों भेजा। अजय ने कहा कि यही मेरे पास के गौरी शंकर मंदिर के पुजारी के बेटे से इनका पता लिया और सीधे यहाँ आ गया। ये बड़े विख्यात हैं, ऐसे मामलों की तह तक जाते हैं, हम भी इसी आशा से आए हैं। अब मुझे तय करना था कि आगे मैं जाऊं या नहीं। अब उस शक्ति ने कहा कि चलोगे। मैंने कहा कि हाँ। तो शक्ति साधक उठा और अपने साथ मुझे भी चलने का इशारा किया। मैं उठा और उसके साथ चल दिया कि चलो, तुम्हारे घर जाकर ये मामला समझना होगा। अजय बोला ठीक है। अजय गाड़ी लेकर आया था, हम उसके साथ बैठकर कुछ देर में उसके घर पहुंच गए। उसके घर में घुसते ही अजीब सी मनहूसियत का आभास हुआ, घर घर जैसा नहीं लगा। सभी लोग लड़के के लिए चिंतित थे, समूचा वातावरण रुग्ण और बोझिल था। 20-21 वर्ष का युवक विमल बिस्तर पर पड़ा था, बीमारी ने वाकई उसे बेहद कमजोर कर दिया था। उसकी माँ के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शक्ति साधक पर इसका प्रभाव नहीं था, परंतु मेरा हृदय उसकी तरह पाषाण यानी पत्थर का नहीं था। मैं नम आंखों से युवक की ओर देख रहा था। बीमार युवक का शरीर वाकई सूख चुका था, जैसे उसके शरीर में खून की कमी हो गई हो, या फिर कोई जीव भीतर ही भीतर उसे कचोट रहा था। मैंने उसकी आंखों को निहारा तो मुझे उसकी आंखों में कुछ भी नज़र नहीं आया, परंतु जैसे ही उस साधक ने उससे नज़रें मिलाई तो विमल ने अपनी आंखें उससे हटाई और कसकर बंद कर ली, मानो वह उसकी ऊर्जा से घबरा रहा था। साधक ने कहा, कब से बीमार पड़ा हुआ है? उसकी माँ ने कहा, लगभग 2 महीना हो गया बाबूजी, इसके मुख का पानी तक सूख गया है, पता नहीं किसकी नज़र लगी है इसको। मेरा इकलौता बेटा है, जमीन जायदाद सब कुछ है मेरे पास में, पर पता नहीं फिर भी ये बेकार हो चुका है लड़का, सब कुछ सही नहीं है, ना किसी से दुश्मनी ना किसी से वैर, फिर भी लल्ला की ये हालत हो गई है। साधक बोला कि माँ जी, इसकी हरकतें वगैरह देखी आपने, कुछ अजीब लगा है? उसकी माँ ने कहा कि हाँ, पहले पहल जो है एकाएक बेसुध होकर गिर गया हमारा लल्ला। तभी अजय बोला, हमने डॉक्टर को दिखाया और उसने कहा कि कुछ बीमारी नहीं है। फिर कुछ दिन बाद एक रात इसकी तबीयत देखने गए तो ये कमरे में नहीं था, घर में भी नहीं था, तो हम इसे ढूंढने निकले, ये सड़क के किनारे न जाने क्या कर रहा था, पूरा दिन बड़बड़ाता रहा। इसके बाद 2-3 बार यही हुआ तो हम लोगों ने घर में कैमरे लगवा लिए। तब हमें पता चला कि विमल आधी रात को आंख बंद करके अजीब अजीब हरकतें करता है और बड़बड़ाता रहता है, दिन में बुखार, रात में स्वस्थ आदमी की तरह दौड़ता उछलता कूदता है। इसे पकड़ने को भी 3-4 लोगों को एक साथ आना पड़ता है, तब जाकर कुछ काबू में आता है। शक्ति साधक ने कहा कि मैं समझ गया, कभी शमशान वगैरह गया है ये? अजय ने कहा कि ना, बिल्कुल ना, ये तो घर से बाहर भी नौकरों के साथ निकलता है, पता नहीं कभी ये कब से ये सब शुरू हुआ। शक्ति साधक ने कहा कि आज शाम सब स्पष्ट हो जाएगा। शक्ति साधक के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान उभर आई, जैसे वो सब कुछ जानता था। उसने मुझे बाहर आकर सब कुछ बता दिया। ये लड़का अपने प्राणों को प्रेतनी को दे चुका है, पर मैं इसकी कोशिश करके देखता हूँ, क्या पता शिव शक्ति की कृपा से ये जी उठे। उसी शाम अजय से शक्ति साधक ने कुछ सामग्री मंगवाई और शाम को एक विशेष पूजा करने के लिए कहा। मैं उस शक्ति साधन दोनों आपस में चर्चा कर रहे थे कि शमशान की शक्तियों के विषय में। मैंने पूछा, इस पर कैसी शक्ति ने कब्जा किया है?
शक्ति साधक ने कहा कि आज रात को देख लेना, वो स्वयं हमें सब कुछ बताएगा। मैंने कहा, पर मुझे तो वो किसी आंतरिक बीमारी से ग्रस्त दिखाई पड़ता है, क्या वो इससे ठीक हो जाएगा? शक्ति साधक ने मेरी आंखों में देखते हुए कहा कि हर कोई इतना खुशकिस्मत नहीं होता, कई लोगों को ये आत्मा भीतर से समाप्त कर चुकी होती हैं, उनके शरीर से आत्मा निकलते ही वो भी मृत हो जाते हैं। तुम वैसे ही इस लड़के के ऊपर भी काफ़ी लंबे समय से आत्मा रह रही है, इसका भाग्य इसे बचाएगा या नहीं यह सब प्रकृति के ऊपर निर्भर है। तभी अजय सामान लेकर के आ गया, लोबान, कपूर, लौंग, इलायची, पीली सरसों, पान, मछली और मदरा, ये सब चीज़ें एक आत्मा को बुलाने के लिए काफ़ी होती हैं। इसके बाद शक्ति साधक ने कहा कि अजय, तुम विमल को छोड़कर आज रात के लिए कहीं और चले जाओ, हम पर विश्वास रखो, उसे कुछ नहीं होगा। विमल जब अपने कमरे में चला गया तो घर वालों ने उसे कमरे को बाहर से बंद कर दिया और बगल के कमरे में जाकर के वो सो गए। अजय घर के बाहर पहरा दे रहा था ताकि चोर उचक के घर में न घुस जाए। रात के ठीक 12 बजे हम उस घर के सामने पहुंच गए। शक्ति साधक ने लाल रंग की धोती पहनी थी और कंधे पर काले रंग का गमछा रखा हुआ था। उसने वो गमछा खोलकर मुझे दे दिया, इससे अपने शरीर को ढक लो। मैंने उसे ले लिया और कंधे पर डाल लिया। घर खुला हुआ था, घर के बाहर अजय खड़ा था, वो हमारे आने की राह देख रहा था। शक्ति साधक ने उसे जाने के लिए कहा, वो चुपचाप चला गया, उसने पीछे मुड़कर भी नहीं देखा, जैसे उसे पूर्ण विश्वास हो गया हो अब उसका भाई बच जाएगा। घर में प्रवेश करते ही एक तेज दुर्गंध हमारे नथनों में टकराई, तीक्ष्ण सड़न वाली गंध थी वो, मेरे लिए उसे सहन करना भी बड़ी चुनौती थी। शक्ति साधक ने कहा कि हम सही समय पर आए हैं, वो यहीं मौजूद है, जल्दी चलो। हम तेज कदम बढ़ाकर विमल के कमरे के बाहर आ गए, उस पर बाहर से चटकनी लगी हुई थी। शक्ति साधक ने कमरे के बाहर गैलरी में आसन जमाया, हमने दक्षिण दिशा की तरफ मुख किया, जिस तरफ कमरे का दरवाजा था, दरवाजे के ठीक सामने शक्ति साधक ने जमीन पर आटे, हल्दी और लाल केसर से किसी यंत्र का निर्माण किया। उस यंत्र में कुछ मंत्र बुदबुदाते हुए चावल के दाने छिड़क दिए, एक दीपक में कपूर जलाकर थोड़ा लोबान उसमें डालकर 2 लौंग मुझे दी और 2 अपने सर के ऊपर से घुमाकर जला दी। पीली सरसों को घर के कोने में डाल दिया जिससे कि घर का बंधन हो जाए, अब वो प्रेतनी छिप नहीं सकती थी। इस काम को करके उन्होंने दोनों की रक्षा के लिए चक्र बनाया। उन्होंने मुझे समझाया, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने आसन से हिलना मत, तुम्हें कोई बुलाए हिलाए, हवा चले या ऐसा लगे कि कोई हमें धक्का दे रहा है तब भी मत हिलना, अगर गलती हुई ये तो जाएगा ही, साथ में हम पर भी मुसीबत आ सकती है, तुम्हें डर पर काबू करना है। वो सब सामान भी उन्होंने दरवाजे के सामने ही रख दिया और फिर शक्ति साधक ने मंत्र जाप शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके मंत्रों की जो ध्वनि थी वो बढ़नी शुरू हुई, मंत्रों के साथ कमरे की गर्माहट बढ़ने लगी। शक्ति साधक नेत्र बंद करके बैठा हुआ था, पर मुझे शक्तियों का अनुभव करना था इसलिए मेरी आंखें खुली थी, कैमरा भी सब रिकॉर्ड कर रहा था या नहीं ये सब कल सुबह देखा जाएगा। गर्माहट बड़ी तेजी से बढ़ने लगी, गर्मी लगने लगी, कपड़े तर बतर पसीने से होने शुरू हो गए। कुछ देर बाद खाली घर में किचन के बर्तनों के गिरने की आवाज़ आने लगी, मैं सब सुन रहा था पर सुनकर मैं अनसुनी नहीं कर पाया। मैंने गर्दन उस दिशा की तरफ हिलाई पर कुछ दिखाई नहीं दिया सिवाय अंधकार के। मंत्रों की ध्वनि तेज होने लगी, बर्तनों के गिरने का शोर दबने लगा, फिर कुछ देर के लिए सब कुछ बंद हो गया। पूरे घर की लाइटें जलने बुझने लगी परंतु अभी तक लाइट बंद थी, पूरा घर अंधकार में था।
फिर ये लाइट का जलना बुझना रहस्यमय ताकत की ओर इशारा कर रहा था। फिर से गुप अंधेरा छा गया। बंद मकान के अंदर किसी कोने से हवा चलने लगी। अचानक मौसम में बदलाव होने लगा। कमरे का तापमान गर्म से ठंडा होने लगा। वो अजीब सी बदबू भी कम हो गई। अभी तक कपड़े तर थे तो ठंड लगने लगी। मैंने वो काला शॉल कसकर ओढ़ लिया, पर शक्ति साधक को तो मानो मौसम परिवर्तन का कोई आभास ही नहीं हो रहा था। वो किसी टेप रिकॉर्डर की भांति काफ़ी तेज, कभी जो है तेज और कभी जो है धीमी गति में मंत्र बुदबुदाने में लगा हुआ था। अचानक कमरे के अंदर हलचल होने लगी। किसी के कदमों की आहट कमरे के भीतर से आने लगी कि थप थप थप, कभी तेज कभी धीमी। कमरे में प्रेत लीला प्रारंभ हो गई थी। मैं ये सब कुछ ध्यान से सुनकर देख रहा था। कुछ देर में आवाज़ दरवाजे के दूसरी तरफ आकर थम गई। मेरी आंखों के सामने खुद पे खुद दरवाजे की जो चटकनी थी वो बाहर से बंद थी। चटक की एक चोट के साथ में वो खुल गई, जैसे किसी ने उसे ज़ोर से खींचा हो। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं अवाक होकर देखता रहा। झप से दरवाज़ा चूं का शोर करता हुआ खुल गया। मेरे शरीर में सिरहन पैदा होने लगी और माथे पर पसीने की बूंदें। हालांकि अब मौसम में ठंडक थी, परंतु ऐसे दृश्य देखकर हृदय की जो दशा थी वो बताने योग्य तो नहीं थी। धक धक करता हुआ दिल धड़कता जा रहा था। उसका शोर मुझे दिमाग के नसों तक महसूस हो रहा था। अब जो आंखों के सामने होने वाला था वो तो हैरान ही कर देने वाला था। अब तक जो विमल बुखार के दर्द से बेड पर लेटा हुआ था, वो अपने हाथों के बल तेजी से चलता हुआ हमारी तरफ आ रहा था। उसकी आंखों के नीचे के काले घेरे दिन से गहरे थे। उसकी त्वचा रंग भी पूरी तरह से रूखा हो गया था। मेरा दिमाग सोचने में असफल था, ये सब कुछ क्या हो रहा था। जब वो लड़का अपने हाथों पर के ऊपर चलता हुआ दरवाजे तक आया, तो उसने वहाँ पर रखे मदिरा और जो मछली थी जो पहले से ही उसको रख दिया था, उसको कच कच आवाज़ के साथ में निगल गया। वो किसी पागल की तरह मछली के टपके हुए लाल खून को जमीन पर से जीभ से लपलपा करके चाट रहा था। उसके बाद उसकी नज़रें मदिरा पर गई। वो अपने एक हाथ से बोतल पर पकड़ बना रहा था और दूसरे हाथ से उसके पूरे शरीर का संतुलन बना हुआ था। गटक गटक की आवाज़ के साथ में एक सांस में सारी मदिरा पी गया। उसके साथ शराब की गंध चारों ओर फैल गई। उसकी नाक तक में शराब की बूंदें गई, पर उस पर उसका कोई असर नहीं था। इतने में तो आम आदमी नशे से इधर उधर गिरने लगता, पर उस पर इसका कोई भी प्रभाव नहीं दिख रहा था। शक्ति साधक ने मंत्रों की आवाज़ तेजी से बढ़ा दी। वो मंत्रों की ध्वनि सुनकर भच की आवाज़ के साथ एक तरफ गिर पड़ा। कुछ देर बेहोश की अवस्था में रहकर उसके अंदर की छुपी शक्ति मंत्रों के कारण बाहर आने लगी। जितनी देर वह लड़का बेहोश था, उतनी देर मुझे बहुत भयानक एहसास होने लगे। मेरे सामने से एक काली परछाई गुजर कर गई। वो कभी इस कमरे में तो कभी उस कमरे में कदमों और लड़की के चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। अचानक किचन के बर्तन गैलरी में आकर गिरने लगे। इससे हमें कुछ नुकसान नहीं हुआ, वो प्रेतात्मा बस मंत्रों के उच्चारण में बाधा उत्पन्न करना चाहती थी। अचानक से वो परछाई छत पर आकर उल्टे पैरों से चिपक कर चलने लगी, जिसे देख मेरी हृदय की धड़कन और तेजी से बढ़ने लगी। मेरा शरीर डर से कांपने लगा। कमरे में अचानक तूफान सा उठा और घर के दरवाजे और खिड़कियां खुलने लगी। आपस में वो टकराने लगी। कई खिड़कियों के कांच चटक कर फर्श पर गिर गए। एक बार को लगा कि जीवन लीला यहीं समाप्त होगी, क्योंकि खिड़कियों के टूटे हुए कांच हवा में हमारी तरफ बढ़ रहे थे।
वो कांच के टुकड़े किसी खंजर की तरह आगे से नुकीले और पैने थे। कांच के टुकड़े बस तेजी से हमारे ऊपर गिरने वाले थे। इससे पहले शक्ति साधक ने उन टुकड़ों को से बिना विचलित हुए जोर जोर से पढ़ते हुए मंत्र पढ़ते हुए जो चावलों को बेहोश पड़े विमल के शरीर पर मारा, वो कांच के टुकड़े जमीन पर गिर गए। वो प्रेत आत्मा फिर से विमल के शरीर में प्रवेश कर गई। वह शरीर में घुसते ही विमल उठ करके बैठ गया। मैं तो अचंभित था, जो शरीर अब तक बेसुध होकर के पड़ा था वो तुरंत उठ करके बैठ गया। शक्ति साधक ने बिना देर किए उसके हाथों को खींचकर एक पतली लाल रंग की अवमंत्रित डोरी उसके हाथों के दोनों अंगूठों में बांध लिए, धागों को अपने हाथ में पकड़ लिया। शुरुआत में धागे पर हल्का दबाव दिया, तुरंत विमल जोर जोर से चीखने लगा, जाने दो मुझे, जाने दो, मैं इसे परेशान नहीं करूंगी। मैं उसकी आवाज, लहजा और बोलने के ढंग को देख करके हैरानी से उसको देख रहा था। शक्ति सा उपासक जो था वो चिल्लाया, तू मुझे भी ढोंगी समझ रही है? तेरे सभी ढोंग को मैं अच्छी तरह से जानता हूं। ये बात बता, तू मुझे पहले कितने दिनों के पहले कह चुकी है? इसके बाद क्रोध में शक्ति साधक ने धागे को जोर से खींचा। विमल लड़की की आवाज में रोने लगा, मुझे जाने दो, मैं फिर लौट करके नहीं आऊंगी। पर क्या ये सच था या इससे पहले भी वो इस प्रकार का ढोंग कर चुकी थी? इसके बाद क्रोध में जो शक्ति साधक था उसने धागे को जोर से पकड़ करके खींचा। वो लड़की की आवाज में रोने लगा, मुझे जाने दो, मैं फिर लौट के नहीं आऊंगी। शक्ति साधक ने कहा कि तू कौन है? शमशानी शक्ति है, जल स्थल की है या वन देवी? विमल ने कोमल पर भारी आवाज में कहा, मैं शमशान की प्रेतनी हूं। मैं लगातार विमल के व्यवहार में हो रहे परिवर्तन को नोट कर रहा था। उसके नथनों से किसी हूं हूं की आवाजें आ रही थी। वातावरण में छाया भय भय छाया हुआ था। वातावरण शुष्क हो गया था, हवा ठहर गई थी। कुछ देर पहले जो ताकत हमें डरा रही थी अब वो शक्ति साधक के पास में बंधी हुई थी, तिलमिला रही थी। शक्ति साधक ने कहा, बता इसके शरीर पर कब्जा क्यों किया? तू शमशान के नियमों को जानती है ना? विमल ने कहा कि हाँ जानती हूं, पर इसने इसी शरीर से शमशान के नियमों को तोड़ दिया, इसलिए इसका शरीर मैं नष्ट कर दूंगी। इसके स्थूल शरीर को अपने लोक में ले जाऊंगी। शक्ति साधक ने कहा कि क्या किया इसने? प्रेतनी ने कहा, इसने शमशान में अमावस्या के दिन प्रवेश करके उसे अपवित्र कर दिया, जिसके कारण मेरे स्वामी की पिशाच सिद्धि भंग हो गई। शक्ति साधक कहने लगा, तू खुद आई या तुझे तेरे स्वामी ने इसके पीछे लगाया है? प्रेतनी की आवाज में गहराई थी। कोई प्रेतनी तब तक किसी को हानि नहीं पहुंचाती जब तक कोई शमशान के नियमों को खंडित नहीं कर देता या अपने प्राण भेंट करे। साधक जो शक्ति साधक था उसने आंख बंद की। ये तो मेरे प्रश्न का जवाब नहीं है, सही जवाब दे। मैं कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं हूं जो तू मुझे बहला रही है। प्रेतनी ने कहा, मेरे स्वामी को लाश चाहिए पिशाच सिद्धि के लिए। ये हष्ट पुष्ट शरीर इसी काम आएगा। इसने उस रात को काल भैरव की कृपा से मिला सब अनजाने में खराब कर दिया। शक्ति साधक ने कहा कि तू तो इसे पूरी तरह चूस गई है, इसके शरीर में खून की बूंदें ही कहाँ शेष हैं? प्रेतनी बोली, अभी मज्जा शेष है। फिर तंत्र में तो बस लाश चाहिए, बाकी मेरी भेंट है। शक्ति साधक ने कहा कि इसे अनजाने से गलती हुई है तो इसे क्षमा कर दे। प्रेतनी बोली, शमशान में चूक की कोई जगह नहीं है। शमशान के नियमों का उल्लंघन मैं नहीं तुम कर रहे हो। मैं इसे लेकर जाऊंगी, हिम्मत हो तो रोक लो, मैं स्वामी के आदेश से बंधी हूं। शक्ति साधक ने कहा कि अगर तुम्हें स्वामी की गुलामी से आजाद करवा दूं तो? प्रेतनी, कोई अघोरी तांत्रिक मुझे सिद्ध कर लेगा। शक्ति साधक,
बोला कि तुम खुद जाओगी या मैं शमशान के रक्षक का आवाहन करूं। प्रेतनी बोली कि हाँ हाँ नियम इसने तोड़ा है, मैंने नहीं। शक्ति साधक कहा कि तो ये भी नियम का खंडन है, तुम अपनी शक्तियों से इसे अकाल मृत्यु की ओर ले जा रही हो। विमल ने कहा कि इसकी शुरुआत तो वहीं हो गई थी जब इसने शमशान को क्षति पहुंचाने का काम किया। शक्ति साधक तो तुम ऐसे नहीं जाओगी। उसने जोर से उस लाल धागे को खींचकर जोर से विमल के शरीर को यंत्र के अंदर ले लिया। वो तुरंत बेहोशी की अवस्था में चला गया। वो प्रेतनी चीखते चिल्लाते हुए अदृश्य हो गई। शक्ति साधक ने उसे सूंघा, ये अब भी प्रेतनी के वश में है, इसे बचाना असंभव है, शमशान के रक्षक ही इसे जीवनदान दे सकते हैं। शक्ति साधक ने उसकी कलाई पर एक लाल रंग का अभिमंत्रित धागा बांध दिया। वो बेहोश हो गया, उसकी सांसें चल रही थी। सुबह होने की थी इसलिए हम ब्रह्म मुहूर्त तक उसी रक्षा घेरे में दोनों बैठे रहे। जब ब्रह्म मुहूर्त हुआ तो शक्ति साधक ने वो जो जमीन पर बिखरी हुई सारी सामग्री को समेट लिया और एक थैली में भरकर अपने बैग में रख लिया। विमल को कमरे में सुला दिया। कुछ देर बाद विमल के परिवार वाले भी वापस लौट आए। विमल की माँ ने कहा, छोरा बच तो जाएगा ना बाबूजी। शक्ति साधक ने कहा, कोशिश कर रहा हूँ, उसके हाथ में जो धागा है जब तक वो है तब तक सब सही रहेगा। अगर लापरवाही में वो कहीं गुम हो गया या छूट गया तो 24 घंटे में ही छोरे की मौत निश्चित है। अजय बोला कि कुछ पक्का समाधान दो बाबा जी, धागे के भरोसे कब तक रहेगा वो। शक्ति साधक ने कहा कि ये बस कुछ समय के लिए है ताकि प्रेतनी उससे दूर रह सके, उसके शरीर पर कब्जा ना कर सके। हमें इसके पक्के समाधान के लिए शमशान के देवता को सिद्ध करना होगा। इसमें कुछ अधिक खर्चा होगा और हम जो सामग्री मंगाएंगे वह बिना किसी ना नुकर के तुम्हें लेकर के आनी होगी। परिवार का एक सदस्य भी हमारे साथ चलेगा, परंतु उसके जीवित रहने की कोई गारंटी मैं नहीं दे सकता। विमल ने अनजाने में ही सही मौत को आमंत्रित किया है। प्रेत योनि का इसके शरीर पर लंबी अवधि तक प्रभाव रहा है, इसलिए कुछ भी हो सकता है, सोच लो। विमल की माँ ने कहा, बाबूजी आप कौनों भी तरीके से हमार लल्ला को बचा लीजिए, एक ही लल्ला है हमार। शक्ति साधक ने कहा, कोशिश करेंगे देवी, शिव शंभू की कृपा हुई तो 100 साल जी जाएगा, नहीं तो 24 घंटा है बस, कल सूरज उगने से पहले सब समाप्त हो जाएगा। विमल की माँ ने कहा, शुभ शुभ कहो बाबूजी, हमार लल्ला को कुछ हुआ तो हम भी, ऐसा कहते कहते वो रुक गई। तुरंत अजय बोल पड़ा, मैं आ जाऊंगा आपके साथ शमशान। शक्ति साधक ने कहा कि आज शाम तक तुम 7 नदियों का जल, 21 फलदार पेड़ों की पत्तियां, 7 जगह की मिट्टी, 7 नदी की बालू, 1 घड़ा दीपक, 7 अनाज, इत्र मोगरा, धूप, गाय का घी और लोहे का खप्पर, 51 भोग, 11 मीठे पान लेकर के मणिकर्णिका शमशान पर आ जाना, वहीं तुम्हारा इंतजार करेंगे। अजय ने कहा, ठीक है बाबा जी, मैं सब सामान लेकर के वहीं आ जाऊंगा। शक्ति साधक और मैं दोनों वापस लौटने को चलने ही वाले थे कि तभी मैंने सोचा जाकर कमरा चेक कर लेता हूँ, कुछ रिकॉर्ड हुआ है या नहीं कैमरे में, तो मैं उसे देख भी लूँ। शक्ति साधक ने मेरी आंखों में झांक कर कहा कि जाओ, मन की पिपासा शांत कर लो, पर तुम्हें कुछ भी नहीं मिलने वाला। मैंने कहा, ऐसा क्यों? शक्ति साधक ने कहा, तुम जाकर देखकर जाओ, सब समझ जाओगे। मैं गया और कंप्यूटर रिकॉर्डिंग खोलने लगा तो उसमें शुरुआत की सब घटनाओं को रिकॉर्ड थी, परंतु जब मंत्र की ध्वनि शुरू हुई उसके बाद कंप्यूटर की स्क्रीन का पर्दा और आवाज़ दोनों बिगड़ने लगे। ना प्रेतनी की वो आवाज़ें रिकॉर्ड हो पाई, ना ही वो घटनाक्रम
कुछ देर में वो पर्दा काला हो गया, जैसे किसी ने कैमरे के सामने कुछ लगा दिया हो। मेरा दिमाग चकराया, काफी देर दिमाग पर जोर डाला, सोचा, तब भी कुछ पता नहीं लगा। हम वापस बाड़ाघाट के मणिकर्णिका श्मशान वापस लौट आए थे। मणिकर्णिका श्मशान के बगल में बहने वाली भागीरथी नदी में शक्ति साधक ने उस सामग्री को विसर्जित कर दिया। कुछ देर तक जल की ठंडी धारा के बीच स्नान किया, डुबकी लगाई और फिर बाहर निकल आए। इसके बाद फिर हमने बाहर निकल करके चाय की, जो श्मशान घाट के बाहर जो चाय की दुकान बनी हुई है उस पर बैठ करके चाय की चुस्कियों का आनंद लिया। वहीं चाय वाले ने हमें दो दो समोसे भी दिए। हमने चाय का आनंद लेते हुए समोसा निपटा दिया। वहीं घाट के बगल में काशी विश्वनाथ मंदिर था। यह मंदिर जितना शैव संप्रदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण था, उससे कहीं अधिक यह शक्ति संप्रदाय के लोगों के लिए महत्वपूर्ण बन गया, क्योंकि इस मंदिर के भीतर आदि शक्ति का जागृत पतंग त्रिशूल मौजूद है, जो एक बार बहुत बड़े आकार का त्रिशूल है, लगभग 26 फीट ऊंचा। इस पतंग त्रिशूल की खास बात यह है कि अगर कोई उस त्रिशूल को घमंड में आकर हिलाने की कोशिश करेगा तो वो अपने पूरे शरीर का जोर लगाकर भी उस त्रिशूल को नहीं हिला सकता। परंतु जैसे ही कोई सच्चे मन हृदय से उस त्रिशूल को अपने हाथों की तर्जनी उंगली से भी मात्र स्पर्श करता है तो वो तेजी से हिलने लगता है। पतंग त्रिशूल जागृत अवस्था में है, यह इस बात का प्रमाण है। इसी कारण ने उस मंदिर को शक्ति संप्रदाय के लोगों के महत्व बीच जो है महत्वपूर्ण बना दिया था। अब काशी विश्वनाथ मंदिर के दर्शन करके हम वापस बाड़ाहाट की श्मशान भूमि में पहुंच गए। वहां एक साथ कई सारी चिताएं जल रही थी। उनका काला धुआं वातावरण में फैल रहा था। धुएं के गुब्बार के साथ मांस जलने की बदबू रह रहकर उठ रही थी। दोपहर हो चुकी थी, सूर्य सिर पर चढ़ने को आतुर था। हमें रात्रि की प्रतीक्षा थी। कुछ देर में बैठे बैठे नींद का तीव्र आवेग महसूस होने लगा। हम चिताओं से दूर नदी के तट पर आकर के सो गए। सूर्य के प्रकाश में गुनगुनी गर्माहट थी, इसलिए हमें शीघ्र ही नींद आ गई। रात की नींद ना पूरी होने के कारण हम शीघ्र ही नींद के महासागर में गोते लगाने लगे। श्मशान में असीम शांति थी, एक ऐसा एहसास जैसे शिशु को माँ की गोद में मिलता है। कई वर्षों बाद ऐसा एहसास हो रहा था। धीरे धीरे सूर्य ढलने लगा, हवाएं चलने लगी। ठंडी ठंडी हवाएं हमारे शरीर को छूकर जाने लगी तो एक सिरहन सी पैदा हुई। जैसे ही मेरी नींद खुली, मैंने आसपास नजरें मारकर साधक की तलाश की, परंतु ये क्या, शक्ति साधक वहां मौजूद ही नहीं था। मैं उठा और शमशान के कोने कोने में उन्हें खोजने लगा। शमशान में वो कहीं भी नहीं मिले। फिर जैसे ही मैं शमशान से बाहर आ रहा था, मेरी नगर जो नजर थी वो चाय के स्टॉल पर गई। वो दो चाय के गिलास लेकर मेरी तरफ आ रहे थे। लो चाय पी लो, मैंने उनसे चाय का गिलास लिया और फिर मैं चाय पीने लगा और चाय के गिलास को मैंने खाली कर दिया। अब शाम हो गई थी, परंतु थोड़ा थोड़ा उजाला मौजूद था। श्मशान में जलने वाली चिताओं की अग्नि ठंडी पड़ चुकी थी, परंतु अंगारों के बीच से रह रहकर चिंगारियां कभी कभार निकल करके हवा में फैल रही थी। मांस के जलने की बदबू अब पूरी तरीके से समाप्त हो चुकी थी। 1 घंटे पश्चात वह श्मशान घाट पूरी तरह सन्नाटे से भर गया। सब लोग चले गए, अंधकार घिरने लगा। श्मशान में मौजूद पेड़ की पत्तियां सरसराहट की आवाजें करने लगी। उस समय शक्ति साधक के सिवा वहां केवल श्मशान की देखरेख करने वाला आदमी मौजूद था, जो डंडे से अंगारों को उलट पुलट कर रहा था ताकि सबकी हड्डियां पूरी तरीके से जल जाएं। कुछ देर बाद शक्ति साधक ने उसे कुछ पैसे देकर श्मशान के बाहर भेज दिया। शक्ति साधक ने कहा, तुम कल सुबह आना, तुम्हारा काम समाप्त हो गया है। मुझे कुछ खास अनुष्ठान करना है। श्मशान के गेट को अच्छी तरह से बंद कर रहा हूं मैं। तुम्हें कल सुबह ये जगह कुछ ऐसी ही मिलेगी
जैसी अभी है। तुम्हारा यहाँ रहना ठीक नहीं, तुम जाकर विश्राम करो। वो वहाँ से खिसक गया। शक्ति साधक ने अपने बैग से चार अभिमंत्रित कमल गट्ठे को निकाला, उनमें चार फूंक मारकर जमीन पर गिरा दिया। वो चिल्लाया, हे काल भैरव, हमें मार्ग दिखाओ। एक साथ वो कमल गट्ठे उसकी हथेली से हलचल करते हुए शमशान की भूमि पर गिरे, अलग अलग दिशाओं में। तीनों ने अपनी जगह स्थिर रहे, किंतु एक नदी की तरफ वाला लुढ़कता हुआ आगे बढ़ने लगा। मैं तो डर से शक्ति साधक के पीछे पीछे चलने लगा। एक तो शमशान और ऊपर से किसी ऐसी वस्तु का ऐसे हिलना, मतलब दिमाग में घुस गया। अब मेरा दिमाग ही पूरी तरीके से घूम चुका था। जब हल्के अंधकार में ये संभव है, तो रात में तो पता नहीं क्या क्या घट सकता है। कमलगट्ठा कुछ आगे चलकर नदी के पास जाकर जोर से फट गया, जैसे वो कमलगट्ठा ना हो आलू बम हो। उस जगह की मिट्टी पर काला सा गड्ढा हो गया। शक्ति साधक खुश हुआ। काल भैरव ने आज्ञा दे दी, यहीं पर यह अनुष्ठान होगा। उसकी निगाहों में एक बात तो स्पष्ट थी, रात को कुछ बड़ा घटित होने वाला था। तभी अचानक से किसी गाड़ी का हॉर्न बजने लगा, जो शमशान के ठीक सामने से सुनाई दे रहा था। मैं और शक्ति साधक दोनों दौड़ते हुए तेज कदमों से उस ओर गए, और शक्ति साधक ने उसे कहा, अजय, हॉर्न मत बजाओ, ये कोई खेल का मैदान नहीं है। गाड़ी साइड लगाओ और सामान लेकर अंदर आ जाओ। अजय को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसने हॉर्न बजाना बंद कर दिया। तुरंत गाड़ी को साइड लगाकर बाहर निकला। गाड़ी के डिग्गी से दो बड़े बैग निकालकर शमशान के भीतर आ गया। अजय, हम तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे, जो सामान कहा था वो सब पूर्ण है ना? अजय बोला, हाँ। शक्ति साधक ने कहा, चलो। अजय बैग लेकर हमारे पीछे पीछे चलने लगा। शक्ति साधक हमें उसी स्थान पर लेकर गया जहाँ पर वो गड्ढा था। वहीं बैठकर लकड़ी से मिट्टी को खोदने लगा, और उसके पास नदी की तरफ एक चौकोर आकृति बना ली। उस चौकोर स्थान के ऊपर वो सामान रख दिया जो अजय लेकर आया था। उसके बाद उसने चारों तरफ रक्षा के लिए एक रक्षा घेरा बनाया, जो गड्ढा उस गोले के एकदम बीच में मौजूद था। उस गड्ढे में शमशान के पेड़ों के नीचे जमीन पर रखी हुई लकड़ियां तोड़कर जला दी। वो एक अस्थायी कुंड लग रहा था। उसकी रोशनी शमशान में कुछ दूरी तक उजाला कर रही थी, परंतु अधिकांश क्षेत्र पर अंधकार ही कब्जा किए हुए था। कुछ देर में शक्ति साधक ने सारे सामान को चौकोर आकृति में रख दिया। घड़े में नदी का जल लेकर आए। अनुष्ठान की तैयारी कुछ ही देर में पूरी हो गई, परंतु अभी अनुष्ठान को शुरू करने के लिए कम से कम 2 घंटे का इंतजार करना था। 12 बजने को 2 घंटे शेष थे। इस मौके पर मैंने फ़ायदा उठाया और उनसे कुछ महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की। मैंने उनसे पूछा कि क्या आज सच में शमशान के रक्षक हमारी आराधना से खुश होकर उसे प्रेतनी से मुक्त करवाएंगे? शक्ति साधक ने कहा, अवश्य कराएंगे। अगर कोई सच्चे मन से किसी विपत्ति को रोकना चाहता है, तो प्रकृति उसकी सहायता अवश्य करती है। शमशान में रहने वाली शक्तियां हमें कुछ हानि पहुंचाएंगी या नहीं, मैंने उनसे पूछा। शक्ति साधक ने कहा कि शमशान की जो शक्तियां हैं, वो अवश्य हमारे अनुष्ठान में बाधा तो अवश्य पहुंचाएंगी, लेकिन शमशान की शक्तियां हमें यूं ही नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। विघ्न उत्पन्न करने की कोशिश करेंगी, परंतु आज तो वो अधिक उत्पात नहीं कर सकती, पर वो कोशिश करेंगी हमारी साधना बंद हो जाए। बाकी शक्तियों से हमारा कोई मतलब नहीं, क्योंकि शमशान में तो अनगिनत शक्तियां मौजूद होती हैं। इसमें अच्छी और बुरी दोनों तरह की शक्तियों का वास होता है। मैंने उनसे पूछा, किसी की मृत्यु के बाद उसकी आत्मा का अच्छा स्वभाव होना
या बुरा होना किस बात पर निर्भर करता है? साधक ने उत्तर दिया कि किसी मनुष्य की ऊर्जा का प्रवाह किस ओर होगा, यह इस बात पर निर्भर है। सूक्ष्म शरीर के स्वभाव इस बात पर निर्भर करता है कि मृत्यु के समय मनुष्य की वासना अथवा कामना किस प्रकार की थी। उसी प्रकार से उसके स्थूल शरीर में ऊर्जा का निर्माण होता है। ऊर्जा सकारात्मक और नकारात्मक दोनों हो सकती है। क्या प्रेत योनि में भटकने वाली आत्मा का पुनर्जन्म होता है? इस बात का निर्धारण भी हमारा सूक्ष्म शरीर करता है, क्योंकि सूक्ष्म शरीर के पास अनंत शक्तियां मौजूद हैं। उन शक्तियों को कई महापुरुषों ने जागृत किया है और वो मुक्त भी हो चुके हैं। कौन मुक्त होगा? अन्यथा वो आत्माएं मृत्युलोक में ही भटकती रहती हैं। वह एक जन्म से दूसरे जन्म में लगातार चलती रहती हैं। यह एक चक्र है। इस चक्र को खंडित करने के लिए मोक्ष ही एकमात्र उपाय है। भटकने वाली आत्मा का ऊर्जा स्तर निम्न होता है। असल में मुक्ति का अर्थ ऊर्जा के उस स्तर को पार करना है जहां प्राण जो है प्रकृति से मुक्त हो जाए। इस चर्चा में साधना का समय हो चुका था। पूरे शमशान एक अनंत शांति व्याप्त हो चुकी थी। उसमें शमशान में केवल वो अंगार धधक रहे थे जो उन चिता पर मौजूद थे। इसी के साथ शक्ति साधक की जो साधना थी वो भी प्रारंभ हो चुकी थी। हम तीनों गोले जो थे रक्षा घेरा उसके अंदर हम बैठे हुए थे। हमारे सामने वो सभी सामग्रियां मौजूद भी थी जो अजय लेकर के आया था। कुछ देर में शक्ति साधक ने अपनी आंख बंद करके मंत्रों का उच्चारण शुरू किया। यह मंत्र कल की साधना के बिल्कुल विपरीत थे, मेरे लिए कुछ अलग और नए। लगभग घंटे भर के मंत्रों के उच्चारण के पश्चात नदी में कुछ हलचल होने लगी। नदी की धारा के बीच एक शव बहता हुआ आया, हमारी तरफ आ रहा था। मंत्रों की ध्वनि जो तेज की और वो शव खींचा चला आ रहा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई शक्ति उस शव को खींचकर हमारे सामने ला रही हो। एकाएक वो शक्ति साधक उठा, नदी के किनारे से उस शव को अकेले घसीटता हुआ लेकर के आया। उसको यंत्र के सामने लुटा दिया। हमारी आंखों के सामने वो निष्प्राण शव था। वो एक लड़के का शव था जो लगभग विमल की आयु का होगा। उसके कपड़े और शरीर मिट्टी में सने हुए थे। उसका शरीर अब भी गीला था। उसके हाथ की नसों पर खून जमा हुआ था। प्रतीत हो रहा था जैसे वो लड़का काफी दिन पहले मृत हो चुका था, परंतु उसका शव काफी हद तक सही था। शायद वो किसी रहस्यमय कोई रहस्यमय शव था। अन्यथा भागीरथ की विकराल धाराओं के बीच भी ऐसे निकालना मानो उसे खींचकर जैसे लाया गया हो। मैं तो पहली रात काफी कुछ देख चुका था, परंतु अजय की आंखों में डर दिखाई दे रहा था। उसके शरीर की कपकपी से जमीन में हल्का कंपन हो रहा था जो मुझे महसूस हो रहा था। उसकी सांसें भी रह रह कर आ रही थी। उसके लिए वो रात जीवन की सबसे कठिन रात रही होगी। शक्ति साधक ने उस शव को घड़े के जल से नहला दिया। फिर वो उसमें जो है भरकर जिसमें वो भरकर के लेकर के आया था पानी, और जितनी देर में वो नदी में था हमारी तो हालत ही खराब थी। मन में भ्रम हो रहा था कहीं ये हम पर घातक हमला न कर दे, पर ईश्वरीय शक्ति से जो सब ज्यों का त्यों बना रहा। शक्ति साधक के आते ही जान में जान आई। मंत्र जाप का दूसरा दौर प्रारंभ हुआ। हमारे नेत्र खुले हुए थे। शक्ति साधक ध्यान लगाकर लगातार मंत्र जाप कर रहा था। शमशान की शांति मंत्रों के गूंज से टूटने लगी। एक बार फिर तीक्ष्ण गंध शुरू हो गई थी। मौसम ने करवट लेनी शुरू कर दी। तेज हवाएं चलने लगी। पत्तों में सरसराहट की आवाज होने लगी। परंतु चारों तरफ नजरें घुमाकर देखा, शमशान शांत था, बिल्कुल निर्जन वन की भांति। वो ध्वनि हमारे मन का वहम प्रतीत हो रही थी।
अचानक मुझे वही शांति महसूस हो रही थी जिसका आनंद मैं दिन में ले चुका था। अजय सामने मृत लाश को देखकर घबरा रहा था। वो सामग्री जैसे कि पड़ी हुई थी, मंत्रों के ध्वनि के बीच अचानक शमशान के अंधकार से रोने की आवाज आ रही थी। अजय ने अपनी मुंडी मेरी तरफ घुमाई और पूछा, तुमने वो आवाज़ सुनी? मैंने उससे कहा कि हाँ, ये वही प्रेतनी है जिसने तुम्हारे भाई के शरीर पर कब्जा किया। अजय मुझे रहस्यमय दृष्टि से देखने लगा, जैसे उसे मैं कोई रहस्यमय व्यक्ति लग रहा था। शमशान में मंत्रों की आवाज़ धीरे धीरे बढ़ने लगी। एक पहर पूरा हो जाने के बाद अंधकार में से प्रेतनी परछाई के रूप में बदलकर हमारे चारों तरफ गोल गोल घूमने लगी। उसकी मांस सड़ने की बू जो थी वो वातावरण में फैल रही थी। वो अपनी डरावनी दृष्टि से हमें डरा रही थी। उसके लाल नेत्र अंधकार में चमक रहे थे। कभी वो शमशान के पास मौजूद पेड़ों के ऊपर उल्टी लटकती तो कभी हमारे बिल्कुल करीब आकर जोर जोर से चीखने लगती। परंतु ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हरकतों को कोई नियंत्रित कर रहा था। अचानक सही मंत्र जाप रुका। प्रेतनी भी हवा के साथ घुल गई। शायद वो शक्ति साधक की दृष्टि को सहन करने में सहम रही थी। शक्ति साधक ने कहा, अब जो घटित होगा उस पर तुम्हें विश्वास नहीं होने वाला। रात्रि की दूसरी और तीसरा पहर के बीच के बिंदु जिस प्रकार दोनों प्रहर नगण्य होंगे। शक्ति साधक ने कहा, अजय अपना हाथ दिखाना। अजय ने सहर्ष दिखाने को बढ़ाया ही था, शक्ति साधक ने पैनी नुकीली लोहे की पिन उसकी तर्जनी उंगली में चुभा दी। अजय चिल्लाया, आह। फिर शक्ति साधक मुस्कुराते हुए उसकी उंगली से रक्त सब के मुंह में टपकाने लगा। तीन बूंदें टपकने के बाद उसने अजय का हाथ छोड़ते हुए कहा, हमें मार्ग दिखाओ, एक शमशान के अधिष्ठाता मार्ग दिखाओ। उसके बाद घड़े में पानी भरकर रखे हुए जल में इत्र को मिलाकर इत्र के मिलते ही उस पानी में सुगंधित खुशबू उठने लगी। वातावरण तेजी से फैल गई। वो घड़े के जल का छिड़काव शक्ति साधक ने उस गोले के चारों तरफ किया। गोले के चारों तरफ वो अलग अलग प्रकार की पत्तियां लाइन में बिछी हुई थी। उन पत्तियों के ऊपर अलग अलग वस्तुएं सजाई जाने लगी। केवल भोग की वस्तुएं उस लाश के बिल्कुल सामने रखी गई थी। साधक ने सारी तैयारी कर ली। अलग अलग सामग्री जैसे अलग अलग जगह की बालू मिट्टियों को भी उन सभी पत्तियों पर गिरा दिया गया। सात नदियों का जल अब भी संभाल करके रखा हुआ था। मंत्रों का तीसरा दौर प्रारंभ हुआ। इस बार के मंत्र वही थे, परंतु उच्चारण अलग तरह से अलग आवृत्ति में शुरू हो रहा था। साधक मंत्रों की आवृत्ति पूर्ण होने पर आँख खुलकर बीच बीच में उस लाश पर चावल के दाने मार रहा था। प्रत्येक मंत्र की आवृत्ति के बाद वह इसी घटना को दोहरा रहा था। कुछ ही देर में फिर से परालौकिक घटनाएं चालू हो गई। इस बार प्रेतात्मा पूरी तरह से अदृश्य थी। हमें बस केवल अंधकार से चीखों की आवाज़ आ रही थी। अचानक से हमारे चारों तरफ मौजूद पत्तियां हवा में ऊपर उठने लगी। वह गोल गोल घूमने लगी। हमारी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई थी। शक्ति साधक पर इसका कोई प्रभाव नहीं था। हमारी तो सांसें अटक गई। एकाएक वह लाश हवा में उठने लगी। प्रेतनी इस प्रक्रिया को भंग करने की पूरी कोशिश कर रही थी, परंतु ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे कोई शक्ति उसे इस काम को करने से रोक रही थी। इसलिए वो सबको बस 2 फीट ऊपर तक ही उठा पाई। उसकी इस मेहनत पर भी शक्ति साधक ने अपने खून के छींटे मार करके उसे स्थित कर दिया। वो सब हवा में झूलता रहा, ना ऊपर गया ना नीचे। धीरे धीरे मौसम में परिवर्तन अचानक से बदल गया। सब सामान्य हो गया। खुशबू उठने लगी।
वो सारी पत्तियां जमीन पर वैसे ही आकर के थम गई जैसे साधक ने रखी हुई थी। मंत्र पूर्ण होने को की तरफ था, साधक ने अपने हाथ में चावल पकड़कर 3 बार फूंक मारी और जोर से लाश पर फेंक दी। इस बार लाश ने भी कुछ प्रतिक्रिया दी, उसके हाथ पैर हिलने लगे, नसें फूलने लगी। हवा में स्थिर जो लाश थी वो जमीन पर आ गई। फिर अचानक लाश जाग उठी। उसने अपने लाल लाल नेत्र खोलकर शमशान का मुआयना करने लगा। लाश आकर हमारे सम्मुख आकर के बैठ गई। उस रात में हमारी आंखों के सामने वो सारा भोग कुछ ही पलों में चट गया। उसकी लंबी लाल जीभ जिससे खून की बूंदें स्पष्ट दिख रही थी, लाश धीरे धीरे से बोली, खून दो, अपना खून दो। शक्ति साधक ने जैसे पहले से ही तैयार था लोहे के खप्पर को बीच में रखकर तीनों की उंगलियों से 3-3 बूंद खून की निकाली। फिर शक्ति साधक ने मंत्र बुदबुदाते हुए चावल के 3 डाले उसमें डाल दिए। उसके डालते ही खप्पर में खून खुद ब खुद ऊपर की ओर बढ़ने लगा। यह हमारे लिए आश्चर्य था, मतलब खोपड़ी हिलने लायक चीज, वैज्ञानिकता को झुठलाने वाली चीज। एक क्षण के लिए पूरी तरह से वो भर गया। लाल गाढ़ा द्रव्य जमीन पर गिरने लगा। साधक ने खप्पर लाश की ओर बढ़ा दिया। वो किसी अतृप्त जीव की तरह उस खून को पी गया। उसके वस्त्र पूरी तरह से लाल हो गए। इसके बाद वो लाश खड़ी हुई, दौड़कर शमशान के अंधकार में गई और उन अंगारों के बीच से एक छोटी सी हड्डी को उठाकर लेकर के आया और उस हड्डी को उसने साधक की तरफ बढ़ाया और कहा, ये लो तुम्हारे लिए, तुम्हारा अनुष्ठान सफल हुआ। प्रेतनी को मैं शमशान के भीतर बांध दिया है, अब वो शमशान के बाहर कभी नहीं जा सकेगी। विमल पूरी तरह सही हो जाएगा। उसके बाद उस लाश का हिलना, लाश का शरीर जो था वो काले रंग का होने लगा। उसकी आंखें लाल तीव्र और जीभ से खून की बूंदें जमीन पर टपकने लगी। शक्ति साधक ने उसको दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया और देखते ही देखते वह लाश हमारी आंखों के सामने से ओझल हो गई। शक्ति साधक खुशी से झूम उठा। वो चिल्लाया, हम सफल हुए, हमारा अनुष्ठान सफल हुआ। शमशान के रक्षक ने प्रेतनी को किलित कर दिया, अब वो शमशान से बाहर नहीं जा सकेगी। इसके बाद शक्ति साधक ने अपने हाथों से शेष सामान को उठाया और नदी के जल में प्रवाहित कर दिया। रात्रि का चौथा पहर खत्म होने का था, ब्रह्म मुहूर्त प्रारंभ होने वाला था। अजय ने शक्ति साधक से पूछा, क्या अब मेरा भाई पूरी तरह से सही हो जाएगा? शक्ति साधक ने कहा कि हाँ, प्रेतनी के प्रकोप से पूरी तरह से मुक्त है, कुछ ही देर में वो पूरी तरह ठीक हो जाएगा, बस शारीरिक रूप से बलवान होने में थोड़ा समय लगेगा। सामग्री को नदी में प्रवाहित करने के पश्चात हम तीनों शमशान से बाहर आ गए। अजय गाड़ी से वापस घर चला गया। मैं उसकी गाड़ी को जाता हुआ गली के अंतिम छोर की ओर देख रहा था। जब मैं वापस मुड़ा तो वहाँ कोई मौजूद नहीं था। शमशान को मैंने बाहर से ही देखा, परंतु वहाँ कोई नहीं था, सड़क खाली थी। इतने में चाय वाला आया, मैंने उससे चाय बनवाई, उसने चाय बनाकर दी, मैंने जल्दी से पी ली। मैंने उससे पूछा, वो शक्ति साधक कहाँ गया होगा जो कल तक यहाँ था? चाय वाले ने कहा कि रमता जोगी बहता पानी। मैं समझ गया, साधना में रत योगी का कार्य सिद्धि के बाद रुकने का कोई अर्थ नहीं। कुछ दिनों बाद विमल के घर गया, सब सही हो चुका था, वो काफ़ी स्वस्थ था। सब लोग उस शक्ति साधक का पता मुझसे मांगने लगे, पर मैं खुद ही नहीं जानता था वो कोई दैव्य शक्ति थी या हिमालय का सिद्ध योगी। तो आपको क्या लगता है, कौन होगा वो, दैव्य शक्ति या कोई साधक, सिद्ध साधक जिसने विमल की जान बचाई? कर देखिए, ये साधना या ये कहानियाँ सुनने में आपको
काल्पनिक प्रतीत होती है, लेकिन सत्यता इनमें होती है। तो देखिए, इसी के साथ मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ वीडियो को। और जिन भाइयों को कहानी अच्छी लगी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें, कहानी को लाइक करें, कमेंट करें, और फिर आपके सामने मैं रोमांचक और रहस्यमय कहानियाँ लेकर के फिर उपस्थित होऊंगा इस चैनल पर। तब तक के लिए राधे राधे।